कि आपने एक ट्रेड में एंट्री लिया, 50 से 100 हुआ, थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया, आपने वहां पर एग्जिट कर दिया, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। जैसे ही आपने प्रॉफिट बुक किया, थोड़ा सा एक रेड कैंडल के बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल बना और मार्केट बहुत फास्ट वहां से मूव कर गया और सीधा 180 190 तक पहुंच गया। तो 100 पे आपने एग्जिट किया था, 180 190 चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील होगा कि शायद रुक जाता तो मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो आप री एंट्री के लिए सोचोगे थोड़ा सा पुल बैक आए, मैं री एंट्री करूंगा। पुल बैक आता ही नहीं है, उसके बाद मार्केट फिर फास्ट मूव करता है और 250 तक पहुंच जाता है। सोचिए कितना फ्रस्ट्रेटेड लगेगा कि आप एक अच्छा खासा ट्रेंड को मिस कर गए क्योंकि आपने अर्ली एग्जिट कर दिया। नेक्स्ट डे आप क्या करोगे? नेक्स्ट डे मान लीजिए आपको वही सेम सिनेरियो दिखा, आपने एक बाय किया और आपका 50 से 100 रुपीस हुआ। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप इसमें एग्जिट नहीं कर पाओगे 100 रुपीस में, क्योंकि आपका माइंड में वो पिछला दिन का अभी भी सिनेरियो दिखने लगेगा। आपको लगेगा कि अभी मार्केट यहां से फिर फास्ट मूव करेगा, एक ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, एक होप फिर से जगा कि अब तो मार्केट फास्ट मूव कर जाएगा। वो ग्रीन कैंडल बन के आपका फिर से प्रॉफिट देने लगा। जैसे ही वो कैंडल क्लोज होने वाला था, मार्केट वहां से फास्ट पिच नीचे तरफ मूव कर गया, आपका स्टॉप लॉस काट देगा या फिर ऐसे जगह पे आपको एग्जिट करवा दिया जहां से एक तो आपका प्रॉफिट जो था वो भी गया और आपका अकाउंट से भी पैसा निकल गया। तो ये क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ, ट्रेंडिंग डे के अंदर में आपको जब राइड करना था, आपका प्रॉफिट को बड़ा करना था, तो आपने नहीं किया, आपने अर्ली एग्जिट किया। और साइडवेज डे, जिस दिन मार्केट में मूवमेंट नहीं होगा, एक रेंज के अंदर में रहेगा, उस दिन आपने बड़ा प्रॉफिट के लिए सोचा। तो अगर आपको मार्केट खुलने से पहले ही पता चल जाए कि आज मार्केट के अंदर में किस टाइप का मूवमेंट रह सकता है, क्या ये वन साइडेड ट्रेंडिंग रहेगा, क्या ये साइडवेज रहेगा, तो आप अपना टारगेट को प्री डिसाइड कर सकते हो। तो क्या ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें हम लोग पता कर सकते हैं कि आज मार्केट का मूवमेंट क्या रह सकता है? जरूर है। चलिए इस वीडियो में हम लोग उसी को जानने की कोशिश करेंगे। कि मार्केट एक फेज के अंदर में चलता है, ना वो कंटिन्यू ट्रेंडिंग रह सकता है, ना वो कंटिन्यू साइडवेज रह सकता है। वीकली बेसिस पे अगर हम लोग मार्केट को एनालाइज करें तो हम लोग को मिलेगा कि मार्केट 5 डेज का जो ट्रेडिंग सेशन होता है, उस ट्रेडिंग सेशन के अंदर में एक दिन कंफर्म ट्रेंडिंग रहता है, एक दिन आपको बोथ साइड मूवमेंट मिलता है, बाकी नॉर्मल 2 या 3 दिन ऐसा होता है जिसमें साइडवेज टाइप का मूवमेंट रहता है। मोर और लेस इसी स्ट्रक्चर के ऊपर मार्केट काम करता है वीकली बेसिस पे। आप जाके चार्ट में चेक करिए। देखिए मैं कुछ भी बोल रहा हूं ऐसे ही आप भरोसा मत करिए, आप चार्ट में जाके चेक करिए, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट मोर और लेस उसी सिनेरियो के ऊपर काम करता है। हो सकता है कि 2 दिन ट्रेंडिंग रह जाए, हो सकता है कि 4 दिन साइडवेज रह जाए, अगर 5 दिन भी साइडवेज रह जाए, ऐसा भी होता है, लेकिन अगर 5 दिन साइडवेज रह गया तो उसका नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, विस्फोट हो सकता है। मतलब ये होगा जितना साइडवेज लॉन्ग रहेगा उसका जब ब्रेकआउट होगा बहुत ही ज्यादा भयंकर होता है। देखिए सबसे पहले आपको अपना चार्ट एनालाइज करना पड़ेगा। ये ट्रेडिंग का जो बेसिक्स होता है जिसके ऊपर पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है वो है सप्लाई डिमांड, और सप्लाई डिमांड या सब सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास आपको अपना प्राइस एक्शन सबसे पहले चेक कर लेना पड़ेगा। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये जो जगह है और ये जो जगह है, यहां से मार्केट फॉल हुआ था फास्ट, तो जाहिर सी बात है यहाँ कोई बिग प्लेयर कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट को फॉल कराया, और वो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर से होता है। देखिए यहां पर मार्केट जाने के बाद क्या हुआ, तो इस जोन में सबसे पहले आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा और वहां से आपको प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा। चलिए प्राइस एक्शन को ही समझते हैं यहां सबसे पहले। देखिए यहां सबसे पहले जाने के बाद ये क्या बना, ये एक शूटिंग स्टार बना, ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है। तो ये सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझना पड़ेगा और प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ट्रेडिंग का। बाकी जितना भी आप इंडिकेटर जो भी यूज करोगे वो ना सेकेंडरी होता है, एनालिसिस है, उसको एज ए सपोर्ट के तौर पर यूज करोगे। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बता दूंगा इंडिकेटर, उसी इंडिकेटर के भरोसे आपने पूरा ट्रेड ले लिया। इंडिकेटर इसी के साथ डिराइव होता है, प्राइस एक्शन के साथ डिराइव होता है। तो इंडिकेटर को आप प्राइमरी कभी ना माने,
ये पहला बेसिक रूल है ट्रेडिंग का, सप्लाई डिमांड में ही सब कुछ है। सप्लाई डिमांड में इम्बैलेंस आता है तभी मार्केट मूव करता है। जब सप्लाई डिमांड में इम्बैलेंस नहीं आता है, सबको सब कुछ पसंद है, बायर को भी प्राइस पसंद आ रहा है, सेलर को भी पसंद आ रहा है, तो मार्केट इस रेंज में फंसता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये सबसे पहले आप अपना माइंड में रख लीजिए। पहली बात, स्टॉक मार्केट को प्रोबेबिलिटी के गेम के हिसाब से देखिए। यहाँ पर चीज़ें हो सकता है, कोई अगर आपको सिखा रहा है कि ये होगा, मेरा फॉर्मूला कभी फेल नहीं करेगा, तो वो आपका सर पे कैपिटल में एक सी लिख रहा है। अभी आपको खुद सोचना है आप क्या है। मैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर दिखा रहा हूँ, हो सकता है आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में वो अवेलेबल हो या ना हो, लेकिन ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ये अवेलेबल। तो पहले हम लोग इंडिकेटर में जाते हैं और वहां पर हम लोग सर्च करेंगे सेंट्रल। सेंट्रल पिवट बोल के सर्च करिए, वहां से आप बहुत सारा मिलेगा। आप किसी को भी कर सकते हैं, वो थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। चलिए मैं इसी को ले लेता हूं और थोड़ा सा सेटिंग्स कर लेंगे। सेटिंग्स में मुझे 7 डेज के बदले, क्योंकि मैं अभी दिखा रहा हूं तो मुझे 30 डेज का चाहिए। आप इसको 1 वीक ही रखिए, ज़रूरत नहीं है। लाइंस चलेगा, विजिबिलिटी में सब ओके, ज़्यादा सेटिंग इसमें है नहीं, बहुत इजी है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको। क्योंकि इससे क्रिटिकल आपको वीकली बेसिस पे भी CPR मिलेगा, मंथली बेसिस पे भी मिलेगा, जिसका आपको शायद वीकली थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ सकता है। मंथली बेसिस का एज ए ऑप्शन बायर आपको ज़रूरत नहीं है, सेलर हो तो मंथली बेसिस पे आप देख सकते हो। ये तीन जो है CPR है, पीवट आपको पता ही होगा, शायद पीवट पता होगा लेकिन CPR शायद आपको पता नहीं होगा। पीवट तो कहीं भी मिल जाता है लेकिन CPR सेंट्रल पीवट रेंज आपको पता है, ये रेंज बोलते हैं इसको, सेंट्रल पीवट रेंज। इस रेंज को हम लोगों को डिकोड करना है। इसी रेंज के ऊपर मार्केट आपको ये बताएगा कि ट्रेंडिंग होगा कि मार्केट आज साइडवेज रहेगा। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। मार्केट एक फेज में काम करता है। अगर मार्केट एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग डे दे चुका है कल, तो प्रोबेबिलिटी ये रहता है कि आज एक साइडवेज या वोलाटाइल मार्केट रहेगा, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा शांत होता है, उसके बाद फिर ट्रेंड देता है। ये एक स्ट्रक्चर वाइज मार्केट काम करता है। CPR का काम करने का तरीका होता है कि CPR कितना वाइड है या कितना नैरो है, इसके ऊपर मार्केट पूरी तरह से उसका ट्रेंड डिसाइड करता है। बट ये CPR का कैलकुलेशन होता है पिछला दिन का रेंज के हिसाब से। अगर पिछला दिन कोई रेंज में बना तो नैरो CPR बनेगा, पिछला दिन बहुत फास्ट मूवमेंट रहा तो एक वाइड CPR बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि कल हो चुका है मार्केट का मूवमेंट, आज वाइड CPR है, आज मार्केट मूवमेंट नहीं होगा। अगर CPR वाइड है तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट आज साइडवेज या बोथ साइड मूवमेंट करे। ये फॉल होने के बाद नेक्स्ट डे हमारा बना वाइड CPR। वाइड CPR का मतलब हुआ आज बहुत बड़ा कोई मूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट नेगेटिव था फिर भी डाउन साइड में एक ट्रेंड आया, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन पुट बायर का पैसा नहीं बना होगा, क्योंकि आप वीक देख रहे हैं। इस तरीके से मार्केट जब मूव करता है आपका खाली स्टॉप लॉस खा के जाता है, नैरो CPR। अब नैरो CPR हुआ मतलब चांसेस आर वेरी है कि मार्केट वन साइडेड मूवमेंट करेगा। वन साइडेड मूवमेंट करेगा तो आपको क्या सोचना है कि मार्केट का सबसे पहले बेसिक चीजों को समझना है। यहां पर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड के बाद आपका CPR बता रहा है कि वन साइडेड मूवमेंट होगा, बट वो मूवमेंट आपको नीचे साइड में नहीं बता रहा है, वो बता रहा है आपको अपर साइड में होगा। तो एक डाउन ट्रेंड मार्केट में अगर आप अपर साइड में मूवमेंट लेंगे, मतलब यह हुआ कि आप एक नदी का धार का ऑपोजिट में ट्रेड ले रहे हो, जहां से मूवमेंट होने वाला चांस बहुत कम रहता है। तो इस टाइप का मार्केट में अगर मार्केट ऊपर साइड में जा रहा है, डाउन ट्रेंड के अंदर में अगर ऊपर साइड में जा रहा है, इसी तो ये सिंपल एक पुल बैक है, ये कोई ट्रेंड नहीं है कि मार्केट में ट्रेंडिंग हो जाएगा ऊपर साइड में। तो इस टाइप का मार्केट अगर हो जहां पर आपको ट्रेंड दिख तो रहा है कि नैरो CPR है तो ट्रेंडिंग रहेगा, लेकिन ट्रेंड ऑपोजिट साइड में हो रहा है, ये ट्रेंड है, नदी इधर से बह रहा है, आपका बोला जा रहा है कि उधर में ट्रेड करो, तो आप कभी भी अच्छे ट्रेड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट ये रहता है कि ट्रेंड अगर इस साइड में है तो हमको भी ट्रेंड इसी साइड में होगा तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। मार्केट यहां से फिर फॉल किया था तो हमको ये जगह फिर देखना है कि यहाँ कोई तो है जो सेल कर रहा होगा। यहाँ मार्केट फिर खुला, वहां से मार्केट CPR के तरफ आ गया, ये वाइड CPR था,
वाइड सीपीआर को नॉर्मली मार्केट क्रॉस करके नीचे नहीं जाता है। देखिए वाइड सीपीआर में मार्केट रुका, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रुका, फिर उसी के अंदर में क्लोज हो गया। तो ये सीपीआर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में, बट आप इसको एज अ सेकेंडरी इंडिकेटर ही यूज करिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको देख के अंधाधुंध अपना पूरा पैसा लगा दिया और पता चला कि पूरा उड़ गया, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज प्रोबेबिलिटी के साथ होता है, आपको अपना बेसिक्स पहले ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद नैरो वाइड के बाद आता है फिर नैरो सीपीआर, ठीक है। नैरो सीपीआर के बाद मैंने क्या बताया, मार्केट था डाउन ट्रेंड, ये पुल बैक हुआ, उसके बाद आपको नदी जिधर बह रहा है उधर ट्रेड आपको मिले तो आप ले लीजिए। फर्स्ट 15 मिनट, 30 मिनट, 45, 1 आवर, 1 आवर के अंदर में मार्केट कंसोलिडेशन फेज में रहा, किसी भी साइड में जाए तो आपको ट्रेड लेना है। जैसे अगर मार्केट इसको तोड़ के ऊपर जाता तो आपका ट्रेड यहां तक बन जाता, ठीक है, छोटा ट्रेड बनता, क्योंकि ऊपर साइड में आपको ट्रेड नहीं लेना है। हालांकि ये बता रहे कि आज ट्रेंडिंग है, बट आपको ऊपर साइड में ज्यादा ट्रेड नहीं लेना है अनलेस ये ब्रेक हो ये, क्योंकि यहां से अगर ऊपर जा रहा है मतलब आपका ट्रेंड अभी रिवर्स कर चुका है, अभी तक ट्रेंड जो है वैलिड है, वैलिड है। तो हमको अगर मिलेगा, ये बता रहा है कि ट्रेंडिंग डे है, मार्केट खुला है, नीचे साइड में ब्रेक किया है, हम लोग एक ट्रेड लेके छोड़ देंगे क्योंकि आज मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा। ये सीपीआर मुझे बता चुका है, छोटा सीपीआर, नैरो सीपीआर मतलब, और मार्केट में ट्रेंडिंग साइड में ही जा रहा है तो हम लोग इसको लेके छोड़ देंगे, ठीक है। उसका नेक्स्ट डे भी नैरो है, बट उतना नैरो नहीं है जितना लास्ट टाइम था। तो यहां पर भी हमको एक ट्रेंडिंग मिल गया, पीछे साइड में, नीचे साइड में ही आ रहा है। फर्स्ट टारगेट हम लोग यहां देंगे, पुल बैक करके अगर फिर ब्रेक कर रहा है हम लोग यहां से छोड़ेंगे, और यहां नीचे में कोई सपोर्ट रहेगा पिछले साइड में, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी यहां पर नहीं दिखा रहा हूं। तो यहां पर भी एक ट्रेंडिंग बना और उसका नेक्स्ट डे बन गया वाइड सीपीआर। वाइड सीपीआर का मतलब क्या होता है, वाइड सीपीआर का मतलब होता है कि आज मार्केट साइडवेज या रेंज में रहेगा। देखिए मार्केट यहां खुला, वाइड सीपीआर को ब्रेक नहीं कर पाया, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब सीपीआर वाइड होता है तब मार्केट उसको ब्रेक उतना जल्दी नहीं कर पाता है, उसके पास आता है, सपोर्ट लेता है या रेजिस्टेंस लेता है। मार्केट फॉल हुआ बहुत फास्ट लेकिन ब्रेक नहीं किया और शॉर्ट कवरिंग का रैली आ गया। तो रैली आने के बाद फिर क्या हुआ, जैसे कि मैंने पहले बताया बिग प्लेयर अपना पोजीशन को यहाँ एल्गोज में सेट किया हुआ है, मार्केट वहां से फॉल हुआ था, तो आपको उसी जगह पे फिर प्राइस एक्शन चेक करना है। प्राइस एक्शन क्या बता रहा है कि यहाँ एक शूटिंग स्टार बन रहा है और एक भी कैंडल उसके ऊपर क्लोज होने ही नहीं दिया। मतलब क्या, यहां से जो ये प्राइस रिजेक्ट हो रहा है बार बार, ये आपको क्या लगता है कोई रिटेलर बैठ के वहां पर सेल कर रहा है? नहीं, यहां कोई बिग प्लेयर बैठ के सेलिंग कर रहा है। इसी चीज को आपको प्राइस एक्शन के साथ नोटिस करना है, जैसे ही मार्केट इस रेंज को तोड़े आपको एंट्री इसी कैंडल में कर लेना है बस। उसके बाद कहां तक आपका टारगेट है, टारगेट क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मार्केट आज रेंज में रहेगा, सीपीआर को ब्रेक नहीं करेगा क्योंकि आज वाइड सीपीआर है, आ जाओ यहां तक और वहां आके आप अपना टारगेट बुक कर लो, हो गया। तो मैंने जैसे बताया कि मार्केट एक फेज में चलता है, सबसे पहले उस चीज को माइंड में रखिए। उसके बाद आप सोचिए कि आपको ट्रेंड के ऑपोजिट में ट्रेड नहीं लेना है अनलेस कोई बड़ा रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक करे। और तीसरा यह है कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट्स होता है उसको नोट करना है, वहां पर आपको प्राइस एक्शन देखना है। इतना कुछ देखने के बाद आप जब एंट्री लेने का सोचे तब आप एक बार सीपीआर को देख लीजिए कि सीपीआर का कंडीशन क्या है। सीपीआर अगर आपको बता रहा है कि आप सही जगह पे सही साइड में ट्रेड ले रहे हो और ट्रेंडिंग वाला मार्केट इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ नैरो है तो आप ट्रेड लीजिए। और अर्ली एग्जिट का जो प्रॉब्लम हो रहा था आप लोगों को, तो वो थोड़ा सा आपको यहाँ हेल्प मिल सकता है। अगर आप चाहे तो थोड़ा प्रैक्टिस करिए। एक चीज माइंड में रखिए कि ट्रेडिंग इज ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। जो आप रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में आपको बहुत सारे गुरुजी, बाबा जी, चाचा जी मिल जाएंगे जो आपको ये बताएगा कि आप 10 रुपया लगाओ और 10 करोड़ कमाओ, और कोई बोलता है कि मेरा फॉर्मूला कभी फेल नहीं होगा। देखिए ये सब चीजें है ना, ये सब चीजें वन टाइप ऑफ स्कैम है, ऐसा नहीं होता है। किसी भी बड़े ट्रेडर को आप पूछिए वो आपको सिर्फ इतना ही बताएगा कि मार्केट में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो फेल नहीं होता। तो अंबानी, अदानी सब तो उसी फॉर्मूला के ऊपर अपना पैसा लगा, काहे जरूरत है इतना करने के लिए। जरा सोच के देखिए,
सोच के देखिए, इंडियन गवर्नमेंट अपना पूरा पैसा उधर लगा देगा, उसी फॉर्मूले के ऊपर पैसा छपता रहेगा। अदानी अंबानी अपना पूरा का पूरा बिजनेस उसी फॉर्मूले के ऊपर लगा देगा और बोलेगा कि भाई मेरा पैसा तो आता ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, एक गेम है प्रोबेबिलिटी का। FII, DII इंस्टीट्यूशन का जितना भी रहता है, उन लोगों का स्ट्राइक रेट 60-70% से ज़्यादा नहीं जाता है। मतलब 30-40% टाइम वो भी रॉन्ग रहते हैं, वो भी मार्केट के ऊपर कई बार फंसते हैं। यहाँ पर आपको अपना विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ को इंक्रीज करना है। और ऐसा कोई होली ग्रेल नहीं है जिसमें आपको बता दें कि इधर से आपने 100 रुपया निकला, उधर से 1 करोड़ करके निकलता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टिल आप कई बार गलत साबित होंगे। हर कोई, कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट हो, FII, DII, सब कोई रॉन्ग साबित होता है। सब अपना हेजिंग करके जाता है अच्छे से। आपका पूरा का पूरा ट्रेडिंग करियर डिसाइड होगा कि आप जब राइट होते हो तो कितना राइट होते हो, और जब आप रॉन्ग होते हो तब कितना छोटा रॉन्ग होते हो। समझ रहा मैं जो बोल रहा हूं? जिस टाइम आपका ट्रेड चला तो कितना अच्छा चला, और जिस टाइम नहीं चला तो कितना छोटा चला। ये छोटी सी चीज के ऊपर आपका पूरा का पूरा ट्रेडिंग करियर डिपेंडेंट है। जरा सोच के देखिए मेरे बातों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। बाय।